टॉकीज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज एकदम धमाकेदार, मसालेदार और सॉलिड खबर लेकर मैं आई हूँ। खबर और किसी की नहीं, मेरी बहन राखी सावंत की खबर है, और इतनी सॉलिड खबर है कि तुम पागल हो जाओगे। रोहित वर्मा नाम का एक क्रीचर है, एक प्राणी है जो है ना मार्केट में, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ ऐसा बोल के घूमता है। उसको है ना, उसका कुछ लॉन्च था जहाँ पर मेरी बहन पहुँची, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ओह माय गॉड, दोनों ने जो तमाशा किया है देखने जैसा है। पूरा वीडियो देखो, कमेंट करो, लाइक मारो और प्लीज पूरा वीडियो देखो। ये देखो चैलेंज शुरू, देखो लिप्पू चिप्पू किसका मतलब क्या है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यानी किसका क्या मतलब है, व्हाट इज द इंटेंशन। सो नो इंटेंशन बट कमिंग कोजी, यूज मी टेंशन। ए वर्मा क्या पागल हो गया कि इतना पी के चिल्ला रहे क्या? दी राखी सावंत कभी देखा नहीं कि मेरे बहन को आज ज़्यादा चिपकू चिपकू कर रहा है। ए दीदी तुम्हें भी बोलते ना सुलेमानी है, क्या चिपकने की जरूरत है, माई जान क्या ना। मेरी बहन पागल हो गई क्या तेरे से शादी करने को? ओ माई गॉड, ये देख उल्टा लिया उसका हाथ, देख उसके बम पे, माई गॉड। स्लो स्लो फिर से रिवर्स करके दिखा ऑडियंस को। बेचारी मेरी बहन है ना एकदम भोली है। ये देखो सारे के सारे माइक है ना मेरी दीदी को टच करने का बेकार आ रहे। ये सुना तूने नया घर लिया दीदी? 45 फ्लोर पे गॉड हैज गिफ्टेड मी। गॉड हैज गिफ्टेड मी, चुप बैठ अभी। दीदी तेरे को क्या लगता है बॉम्ब फटाके फोड़ने का क्या बोलेगी, कैसा फोड़ने चाहिए बॉम्ब फटाके? बॉम्ब पटाखे फोड़ो हमारे जैसे बॉम्ब पटाखे फोड़ो। समझ में आ रहा है, इन्हें नॉइज पॉल्यूशन वगैरह कुछ मत करो, दीदी को ही फोड़ो, दीदी को ही तोड़ो। ए टकले बूम, ऊपर मत ले ना टकले, बूम नीचे कर लो ना यार, बूम नीचे करो। ये देख चिल्लाया कि नहीं बाबू, अभी ये बूम मेरे मुंह में घुस जाएगा, मुंह में चला जाता दीदी के। वैसे मुंह में जाएगा तो है ना, उसको उसका एलर्जी नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। व्हाट इज दिस दीदी, ये दोनों फिल्में आ रही है अभी दिवाली में, सन ऑफ सरदार और जब तक है जान, तेरे को क्या लगता है उसके बारे में बोल। हाउ कैन आई से, मेरा बस चले तो मैं दोनों फिल्में जाके देखूं। मैं तो शाहरुख के लिए हवन करने वाली हूं। ओह माय गॉड हवन, मैं शाहरुख खान के लिए, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी जान है, मैं उनके लिए अनाथ आश्रमों में उनके नाम से, उनकी फिल्म के नाम से बहुत ही दान पुण्य करने वाली हूं, गरीबों को खिलाने वाली हूं कि उनकी फिल्म रॉक करे। दीदी अगर शाहरुख की जगह ना तू जब तक है जान में होती तो क्या होता? अरे मैं होती तो मैं तो आग लगा देती डार्लिंग। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, और मैं तो बिकनी में वॉक करूंगी, बिकनी में। ए संतरा किसका गिरा, संतरा किसका गिरा नीचे? मेरे में से कुछ नहीं गिरा। क्या दीदी तू भी। तो ये थी मेरी बिंदास दीदी, जो डंके की चोट पे जो चाहिए वो बोल सकती है, और इसके बोलने की वजह से या उसके ऐसे कैरेक्टर की वजह से वो हिट हो रही है दिन ब दिन, और हम लोग उसके भाई बहन लोग भी हिट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है राखी के बारे में, बिंदास कमेंट मारो, आपको दिल से क्या लगता है उसके बारे में, ये कैसी है, यानी मेरे बारे में भी लिखो, ऐसे कुछ नहीं है मैं मेरे बारे में बोलती हूँ, तो मेरे बारे में लिखो, मेरे बहन के बारे में लिखो, राखी सावंत के बारे में लिखो, टाकी सावंत के बारे में लिखो, जिसके बारे में लगता है आपको, खुल के लिखो।